हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज के नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग को यूज़ करोगे और आज के जो टाइटल है दोस्तों हम अपने डिवाइस में दोस्तों फिंगरप्रिंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक फिंगरप्रिंट लॉक यूज़ करोगे, आप दो कर रहे हो, आप एक और ऐड करना चाहते हो, आप कैसे ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद आप इसको कैसे यूज़ करोगे आज की वीडियो में दोस्तों ये बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है इसके लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके डिवाइस में। तो दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है, आपको अपने डिवाइस दोस्तों ओपन कर लेना है पासवर्ड सिक्योरिटी सेटिंग को। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दी जाएगा स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक और फिर फेस लॉक का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग पे। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग पे क्लिक करने का दोस्तों अगर आपने पैटर्न सेट कर रखा है तो आप पैटर्न लॉक को ड्रॉ करो। और अगर आपके फ़ोन में पासवर्ड है तो दोस्तों आप अपने पासवर्ड को इंटर करो। दोस्तों यहाँ पे अपने पासवर्ड को यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग ओपन। दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। अगर फिंगरप्रिंट हटाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो, आपके होने फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। दोस्तों हम क्लिक करेंगे ऐड फिंगरप्रिंट पे। और दोस्तों यहाँ पर आपको पहले दोबारा से अपने पासवर्ड को इंटर करना पड़ेगा एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे पासवर्ड को इंटर। अब दोस्तों आप जो भी फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हो, राइट साइड और राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की, आप उसको ऐड कर लो अपने डिवाइस में। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इस वाले फिंगरप्रिंट को। दोस्तों यहाँ पर आपको टच एंड रिमूव करना डिफरेंट डिफरेंट मूव से। और अगर आप ऐसे टच करके रखते हो तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट ऐड नहीं होएगा। दोस्तों यहाँ पे तो लिखा हुआ भी टच एंड रिमूव करने में डिफरेंट डिफरेंट मूव से तो हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। दोस्तों ऐड करने के बाद आपको एक और नोटिफिकेशन मिलेगा फेस लॉक के लिए। दोस्तों अगर फेस लॉक नहीं है आपके फ़ोन में, ऐड पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन में फेस लॉक यहाँ पे ऐड हो जाएगा स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपने फिंगरप्रिंट को ऐड कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं अपने फोन को दो फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकता हूँ, पहला दोस्तों मैं थंब से कर सकता हूँ अपने, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने फर्स्ट वाले फिंगर को यूज़ करूँगा तो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपने फ़ोन में 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो और अपने 5 फिंगरप्रिंट से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार। आगे दोस्तों आप समझ चुके हो फिंगरप्रिंट को कैसे ऐड करते हैं। बाय।